नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर यूपी के एटा से है, जहां जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित कासगंज रोड पर गुरुवार को बाइक सवार व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगते ही बाइक पर सवार व्यक्ति सड़क किनारे कृपया घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सरकारी जीप से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। दरअसल शांतिनगर निवासी सचिन किसी काम से कासगंज रोड पर गए हुए थे। इस दौरान बदमाशों ने उन्हें सीने पर गोली मार दी। गोली लगते ही सचिन मुंह के बल गिर पड़े। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने घायल सचिन को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं अस्पताल पहुंचे परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हालात हंगामे वाले बनते जा रहे थे। परिजन लगातार चिकित्सक पर प्राथमिक उपचार न करने पर आरोप लगा रहे थे। अस्पताल में उपचार की उचित व्यवस्था न होने से चलते घायल की स्थिति बिगड़ती देख चिकित्सक डॉक्टर बी सागर ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। खबर मिलने तक घायल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। आज 12:30 बजे दिन में ये कोबरा मोबाइल पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उन्होंने देखा कासगंज रोड पे एक बाइक अपनी स्टैंड पे खड़ी है और उस पर बैग रखा हुआ है। वहाँ आसपास तलाश करने पे एक व्यक्ति सड़क किनारे पड़े मिले, जिनके सीने में गोली लगी थी और पास में तमंचा कारतूस मौजूद था। उनको तुरंत पुलिस द्वारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ उनकी शिनाख्त सचिन सोलंकी के रूप में हुई है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उनको आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। अभी वो रास्ते में परिजन आ गए हैं, उनसे तहरीर लेकर आगे कार्रवाई करें। प्राइम न्यूज़ के लिए एटा ब्यूरो की खास रिपोर्ट।